झारखंड के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आज से दूरदर्शन व रेडियो पर क्लास। देखें ये पूरा टाइम टेबल। राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चे सोमवार यानी आज से दूरदर्शन के साथ साथ आकाशवाणी के माध्यम से भी पढ़ाई करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। दूरदर्शन पर प्रतिदिन 3 घंटा कक्षा का संचालन किया जाएगा। दूरदर्शन पर सप्ताह में 5 दिन कक्षा का संचालन होगा। दिन में 10 बजे से 12 बजे तक व अपराह्न 1 से 2 बजे तक कक्षा का संचालन किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा कक्षा संचालन को लेकर रूटीन जारी कर दिया गया है। सुबह 10 से 10:30 बजे तक सभी बच्चों के लिए कक्षा का संचालन होगा। 10:30 से 11 बजे तक कक्षा के 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा का संचालन किया जाएगा। 11 से 11:30 बजे तक कक्षा 6 से 8, 11:30 से 12 बजे तक कक्षा 9 एवं 11वीं की विद्यार्थियों का कक्षा संचालन किया जाएगा। इसके बाद पुनः 1 से 1:30 बजे तक कक्षा 10 एवं 1:30 से 2 बजे तक कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का कक्षा संचालन किया जाएगा। कक्षा का संचालन डीडी झारखंड चैनल पर होगा। सोमवार से शुक्रवार तक कक्षा का संचालन किया जाएगा। कक्षा संचालन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने दूरदर्शन को लर्निंग कंटेंट उपलब्ध करा दिया है। सरकारी स्कूल के बच्चे इस वर्ष रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। राज्य के 5 आकाशवाणी केंद्र के साथ साथ भागलपुर आकाशवाणी केंद्र से भी कक्षा का संचालन किया जाएगा। सप्ताह में प्रतिदिन आकाशवाणी के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। प्रतिदिन 10-10 मिनट कर 2 बार आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण होगा। आकाशवाणी केंद्र रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, डाल्टनगंज, हजारीबाग व भागलपुर से प्रसारण किया जाएगा। डाल्टनगंज केंद्र से गुरुवार को प्रसारण नहीं होगा। 5 केंद्र से प्रतिदिन सुबह में 9:20 से 9:30 बजे तक व भागलपुर केंद्र से दिन में 12 से 12:10 तक प्रसारण किया जाएगा। वहीं शाम में रांची केंद्र से 5:45 से 5:55 बजे, जमशेदपुर से 5:20 से 5:30 बजे तक, चाईबासा से 6:30 से 6:40 बजे, डाल्टनगंज से 5:45 से 5:55 तक, हजारीबाग से 5:50 से 6 बजे एवं भागलपुर केंद्र से 5:45 से 5:55 तक प्रसारण होगा। कोविड-19 के संक्रमण के कारण राज्य में 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लर्निंग मटेरियल भेजा जा रहा है, परंतु स्कूलों में नामांकित 42 लाख बच्चों में से 13 लाख बच्चों तक ही ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंच रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।